आप देख रहे हैं नीम कथा ना ताजा समाचार दीपक शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं रजनी चौधरी। अब खबर नीमका थाना से। नीमका थाना ASAN केपी कॉलेज के सामने भारी बरसात से हुआ जलभराव। बीती रात को करीब 12 घंटे हुई थी बारिश। बारिश से जलमग्न हुई सड़क। महाविद्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर पानी से लबालब हुई रोड। जलभराव के कारण आने जाने वाले छात्रों और राहगीरों को निकलने में हुई काफी परेशानी। महाविद्यालय छात्रों ने नगर पालिका विधायक प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कई वर्षों से इस समस्या के कारण बारिश में मुख्य सड़क बन जाती है काला। राजकीय महाविद्यालय के सामने दर्जनों छात्रों ने मिलकर के दमदार तरीके से विधायक महोदय और चेयरमैन महोदय के खिलाफ नारेबाजी की है और छात्र छात्राओं की मांग है कि जो महाविद्यालय के जो सामने जो मार्ग है, इसके जो लेवल है, इसका इसे ऊपर करना चाहिए, क्योंकि सामने जो है जल भराव आज इतना भयंकर हो रखा है कि आना जाना बिल्कुल एकदम पूर्णतः बाधित हो रखा है। कोई भी स्टूडेंट आ नहीं आ पा रहा, ना कोई जा पा रहा। वाहनों से आना हो रहा है, वाहनों से जाना हो रहा है। स्टूडेंट्स की हालात बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी है। ये एक गली थी जिससे कभी पानी की वजह से स्टूडेंट आया करते थे, लेकिन इस बार इस गली में भी जो है ये टपरियां लगा दी गई, जिससे कि स्टूडेंट्स का आना जाना बिल्कुल बाधित हो रखा है। अतः हम निवेदन करते हैं विधायक महोदय से, चेयरमैन महोदय से और राजस्थान सरकार से जल्द ये स्टूडेंटों की जो समस्या है, छात्र छात्राओं की जो समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। और जो ये रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, निश्चित रूप से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। विकास के नाम पे लूट का शोट मचा रखे हैं। रजनी चौधरी रिपोर्टर दीपक शर्मा के साथ, आप देख रहे हैं नीम का थाना ताजा समाचार। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाएं, चैनल को लाइक एंड शेयर करना।